अगणति भक्त मानू अर्घस्तरपुर रथयात्रा हार्दिक अभिनंदन। आज हूँ पवित्र विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा। यही विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा रे बड़दाण्ड रे महाप्रभु चतुर्धामूर्ति विराजमान करथुवा बेले माँ को जन्म माटी की आज मध्ये जोटी गुप्त लीला क्षेत्र प्रभु जगन्नाथ जोटी आसिक गुप्त लीला करते जोटा कि कांकण शिखरी आम कह जाए से संपूर्ण भाव में निरा भाव में रथयात्रा कर एक डंगा साहाज्य बोट साहाज्य रथ निर्माण कर रथरे प्रभु त्रिमूर्ति की तीन ठाकुर को बसे जाए जो चिलिकार नील जलराशि रही चिलिकार नील जलराशि कुदा चारिपट परिभ्रमण कराए ठाकुर को नील जलराशि ठाकुर परिक्रमा कर विराजमान कर जाए सिंहासन आम पाखे अठिकार जो पूजक अच्छा पूरी पंडा आज सहित आलोचना करवा कौन कह आज्ञा आज हूँ विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा। यही रथयात्रा सबुटी बड़दाण्ड रथ गड़े सबुट दाण्ड रथ गड़े कि निरा परंपरा आम देखा मिलूँ चिलिकार जो नील जलराशि रही से नील जलराशि प्रभु को विराजमान कर डा साहय चतुर्पाश्वर परिक्रमा करा कौन रही नीतिकांति ठाकुर जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। दीर्घ दुई वर्ष कोरोना महामारी भितर भक्त आ प्रभु भितर गोटे बहुत दूरत सृष्टि होता समस्त भक्त लक्ष लक्ष भक्त सारा भारत कहीं सारा पृथ्वी से ही गोटे दिन को अनेक रही जे प्रभु श्री जगन्नाथ केबे आसिबे बाहर को केबे दर्शन देवे बड़दाण्ड रे किंतु आज मुझे अच्छी मंदिर रे से एक अद्भुत लीला प्रभुंकर जेतेबेले कला पहाड़ आक्रमण करथला श्रीमंदिर उपरे श्री जगन्नाथ महाप्रभु ये पखापाखि चारिमास आसी रही थे ये चिलिकार गोटे टापू भितर ना होची कांकण शिखरी प्रभु श्री जगन्नाथ को कांकण भोग दि जाए ये पूजा कर आज बड़ सौभाग्यर दिन जे ये आज अष्टम थर रथजात्रा ये पालन एवं डंगारे प्रभुंर रथ या चतुर्धा मूर्ति आज से विराजमान कर चिलिकार नील जलराश रे आज विराजमान करे एवं मो समस्त भक्त मानू जो मैंने आसमानर उत्तरोत्तर सुख समृद्धि कामना करुच्चे जय श्री जगन्नाथ। आउ गोटे कथा जो आज प्रभुंर रथयात्रा हम ये जो कांकण कुदारे प्रभु जो डंगारे विराजमान करी चतुर्धा मूर्ति भक्त मान दर्शन देवे कौन रही नीतिकांति सब नीतिकांति सका सका बर्तमान तो ठाकुर प्रथम नीतिकांति पूजा हवा कथा से सरी आप मंगला मंदिर एक मैंने जैसे मंदिर पूजा हे तापर ठीक बारटा रु बारटा तीस मध्य ठाकुर सिंहासन पहुँची हो आसबे ये जो वर्तमान आपण देखुं मो पछपटे जो डंगार रथ तापर ब्रेवास करेंगे ता पूर्वर बर्तमान रथ पूजा चलो रथ पूजा सरला ठाकुर को आम पहुँची कर आने ठीक ठाकुर बसवे और नील जलराश से सी बर्तमान विराजमान कर सीए पूरा जलराश परिक्रमा करेंगे ये कांकण शिखरी को निश्चित भाव में आम जहाँ पूजारी शुणुले रथ प्रस्तुत ठाकुर प्रस्तुत भक्त भगवान हम आज महामिलन आम पाखे जन भक्त अच्छे भक्त सहित आलोचना करवा कौन कह आज्ञा कोविड दु वर्ष भितर भक्त भगवान जो विच्छेद पड़ता आज से पुनच्छेद पड़ी भक्त भगवान महामिलन आज हम कमी अनुभूति रोच जय जगन्नाथ महाप्रभु यहाँ दु वर्ष पर आज आम गोटे सुजोग मिली समस्त को आउ देखा महाप्रभु को दर्शन करने आम तो समस्ते पूरी रथयात्रा देखि किंतु ये गोटे अलग निरा परंपरा आमर निरा अनुभूति भक्त भगवान भितर आप देखिए चारिपटे चिलिकार नील भर आम रथ अच्छी रथर बर्तमान भगवान विराजमान कलापर ये रथटी यार यही टापुर जो आम कांकण शिखर टापू अच्छी ये टापुर चारिपटे भगवान बुलवे बुलला रथ भाई जो सबुआड़े तो अच्छे आज्ञा रथ चकार गड़ू कि पाने गड़ू ये संपूर्ण निरा अनुभूति मु सारा ओडावासी भारतवासी कि विदेश समस्त लोग अनुरोध करी थे यही जगह को आसी ये निरा अनुभूति नियंतु ठाकुर लीलाखेला किपर होता से इतिहास ये अच्छी देखते मंदिर ये अच्छी समस्त को अनुरोध करी थे आसी जगह कांकण शिखर पवित्र पीठ को आसी दर्शन करते निश्चित भाव में भक्त भगवान जो महामिलन आज हम भक्त मैंने बहुत आनंदित अच्छा खुशी अच्छा जे भक्त आम पाखे सहित भी आलोचना करवा कौन कह आज्ञा कौट आज ये जो प्रभुंर निरा खेल मो
ମାନେ ଇଏ ବାହାରେ ଥିଲା, ଏଠି ଆସିକି ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ। ତେଣୁ ମୋ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଯେ ମୋତେ ଇଏ ଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କହିବି ଏଠାରେ ଥରେ ଆସି ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଏ ଯେଉଁ ଲୀଳା ଆକୁ ଇଏ ରଥର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରଥର ଯାତ୍ରା ଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଯେଉଁ ନୀଳାମୟ ଠାକୁର, ନୀଳାମୟ ଠାକୁର ନୀଳା ଅପାର, ଏ ଭକ୍ତ ଭାବ ବିନନ୍ଦା ଠାକୁରଙ୍କର ନୀଳା ଅପାର। ଏଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ପରେ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସଜାଗ ଅଛି କିଭଳି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଏ ରଥଯାତ୍ରା ସମାପନ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବାଣପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଆଉ ଚିଲିକା ମଧ୍ୟରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି, କିଭଳି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ରଥଯାତ୍ରା ଆଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କାଙ୍କଣ ଶିଖର ନୀଳାକ୍ଷେତ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏକ ଅପୂର୍ବ ନୀଳା ଏଠି ହେଉଛି। ଏଠି ଡଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଚିଲିକାରେ ତାଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ହେବ। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯେମିତି ଭକ୍ତମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ସହିତ ଆସି ସୁରକ୍ଷିତ ସହିତ ଫେରିବେ ସେହିପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଆମକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କହୁଥିଲେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତରେ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି।